हाई एवरी वन आई होप यूर रियली रियली डूंग वेल टूडे वी आर गोइंग टू कवर एंड अदर शॉर्ट स्टोरी विच नेम इज़ द ममिया वेक्स रिटन बाई नजीब महफूज तो नजीब महफूज जो है वह एक अजिप्टियन हैं और लोगों के बारे में लिखते हैं ये कलोनाजम और एम्पीरियलम के बिल्कुल सख्त खिलाफ है और उनके अगेंस्ट भी लिखते हैं ठीक है ये बात करते हैं बाकी उन तमाम कल्चर्स के जिन्होंने इजिप्ट के ऊपर आके रूल किया और इजिप्ट को जो है बहुत ही लो स्टैंडर्ड समझा से सही स्टोरी में भी हमें यही कुछ पता चलने वाला है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टू तो समराइज इट तो स्टोरी स्टार्ट होती है और हमारा जो नरेटर है उसका नाम नहीं बताया गया और नरेटर कहता है कि जिसको उसने स्टोरी सुनाई थी उसका नाम था प्रोफेसर डेरिन और उस प्रोफेसर डेरिन ने उसको ये कहा था कि वो ख़ुद इस वाक्य पर बयान ना आ, यकीन ना करता अगर चाह उसने खुद इसको अपनी आँखों से ना देखा होता क्योंकि ये उसकी आप थी इसलिए उस बात पर यकीन कर रहा है और फिर वो बताता है कि प्रोफेसर डेरिन के साथ उस दिन दो और डॉक्टर भी थे एक डॉक्टर पेरी था और एक डॉक्टर सैरड था सही हो गया तो किस चीज़ के बारे में बात करें बेसिकली बात करें ये नरेटर टू नरेटर जो है आ, 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 टेक्निक यूज़ हुई है इसके बाद जो है प्रोफेसर डेरन नरेटर को बता रहे हैं अब नरेटर जो है वो हमें स्टोरी सुना रहे हैं और प्र... नरेटर स्टोरी स्टार्ट करता है और कहता है कि एक दिन प्रोफेसर डेरिन और उसके दो साथी सैरथ और पेरी जो है वो डिसाइड करते हैं कि वह पाशाह के मेंशन को विजिट करेंगे क्योंकि ये जो पाशा था महमूद पाशा उसका फुल नाम है ये एक मिस्री नवाब था और ये पैरागन था अजिप्ट का पैरागन कहते हैं बहुत बड़े नवाब को ठीक है ये पॉलिटिकल सर्कल्स में भी बहुत ज़्यादा फेमस था खैर प्रोफेसर डेरन अपने दोनों फेलोज़ के साथ डिसाइड करते हैं कि उस मैशन को विज़िट करें जो कि पाशा का है ठीक है पाशा जो है वो तुर्की में वैसे पैदा हुआ था इजिप्ट में अब वो रह रहा है और लेकिन उसको पसंद क्या है फ्रेंच का कल्चर इसलिए उसको फ्रेंकोफाइल बी कहते हैं यानी फ्रेंच लवर ठीक है सारे प्रोफेसर जो होते हैं वो पाशा के घर पर आफ्टरनून के टाइम पे इकट्ठे होते हैं वहां पर जो है वो खाना खाते हैं लेकिन जितने भी गेस्ट वो होते हैं ना दोनों डॉक्टर पैरी बिस जितने भी पाशा वो बताते हैं कि वो उस मैंशन में जितनी भी चीजें थी कलेक्शन थी ना पाशा की वो बहुत देखिए इंस्पायर थे क्योंकि वो सारी जो थी फ्रेंड से बिलोंग करती थी सारी की सारी बड़ी फाइन कलेक्शन थी उसके घर में ठीक है तो सैरिट जो है वो उसको सजेशन देता है कि तुम अपने मेंशन को जो है एक फ्रेंच म्यूजियम में बदल दो तो इसके बाद वो अटेंशन भी इस चीज की तरफ लेकर आता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लोगों का क्या uh, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होगा उनके सेंटिमेंट्स कैसे होंगे तो पाशाह जो है वो बड़े गुरू के साथ कहता है सच पीपल्स हैव नो राइट टू फील सॉरी इफ दिस म्यूजियम गोज टू पैरि पेरिस सॉरी

Uh, ये नहीं उन लोगों के पास बुरा मनाने का भी कोई राइट नहीं है मैं उनको इतना कम दर्ज समझता हूँ कि अगर ये म्यूज़ियम जो है वो मैं उठा के पेरिस में भी ले जाऊँगा ना तो उनको बुरा मनाने का भी हक़ नहीं है दे आर लो क्लास पीपल वो सिर्फ समझता है कि इन पर रूल करना चाहिए और ये लो क्लास पीपल ये इज्शियंस को जो ना पसंद नहीं करता इसके बाद पाशा जो है वो बात मजीद बताता है कि वो लोगों को इतनी इनसे ये नफरत करता है ना जिप्ट के लोगों से कि एक दिन इन्हीं के किसान का जो एक बेटा था वो डॉक्टर बन गया था और वो पाशा की बेटी का हाथ मांगने आया उसकी शादी के लिए लेकिन पाशा ने बड़ी सख्ती से उसको मना भी किया और डांटा भी कि इतनी हिम्मत तुम्हें कैसे आ गई कि तुमने मेरी बेटी का हाथ मांग लिया और पाशा ने उसकी शादी उससे नहीं कराई अब इन्हीं बातों के बाद ना बहुत टेस्टफुल सी वो कॉफ़ी पीते हैं और जो दूसरे प्रोफेसर होते हैं ना और डेरिन वो चले जाते हैं हैं लेकिन प्रोफेसर डेरन जो होते ना, वो वहीं पर रह जाते हैं अब जो वो वहाँ पे रहते हैं ना तो वो लोग लॉन लो में वॉक कर रहे होते हैं और पाशा जो है वो उसको बताता है कि जदला जदुल्ला जो एक बंदा है ना यहाँ पे स्पिरिचुअल कुछ मैजिकल इसके पास कुछ चीजें हैं जिनसे करता है कि जमीन के अंदर कोई खजाना है या कोई चीज छुपी हुई है है ठीक है? तो वो कहता है कि 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 बताता है डेरन को कि मेरे पास जदुला आया था थोड़े दिन पहले उसने कहा आपके में मुझे डाउट है कि कुछ ना कुछ है कोई खजाना है तो मैंने कहा आप खो दो तो वो दोनों जदुल्लाह वाली साइड की तरफ जा रहे होते हैं वहां पे देखने कि इतनी देर में बहुत ज्यादा शोर होना शुरू हो जाता है कुछ नौकर जो होते हैं वो मिलकर एक नौकर को मारे होते हैं अब जो पाशाह है वो जाकर देखता है तो पता चलता है कि जिस नौकर को वो मार रहे हैं उस नौकर ने असल में बीनी गोश्त चुराया था था यह पाशा का कुत्ता था जो गोश्त खाता था और वो उस को जब पाशा ने मारा और खाने की चु, खाना की खाना चोरी करने वजह पूछी तो उस नौकर ने यह कहा कि कि मुझे इतने महीने हो गया कि मैंने गोश्त का टुकरा तक नहीं खाया और जब मैंने गोश्त का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो मेरे से रहा नहीं गया तो इसकी वजह से मैं भागा दौड़ा चला और मैंने वो गोश्त का टुकड़ा खा लिया वो पाशा से माफिया भी मांगता है लेकिन पाशा उसको बहुत बुरी तरह बिटन करता है मारता है स्टिक के साथ उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर देता है तो अब पाशाह जो है वो प्रोफेसर डैरिन को वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे खुदाई हो रही होती है ठीक है प्रोफेसर और पाशाह जो है हाँ, अब वो खुदाई देख कर तो वरेंडा की तरफ जा रहे होते यानी सहन की तरफ अपने जा रहे होते हैं और इतनी देर में ना जदुल्ला को कुछ मिल जाता है एक नौकर पीछे से आता है उनको बताता है कि आप आ जाए पाशाह हमें कुछ मिला है अब पाशाह और डॉक्टर प्रोफेसर डेरिन जो है वो भाग कर जाते हैं तो वो नीचे वो वहाँ पर जाके क्या देखते हैं एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है वो उस पत्थर को पीछे हटाते हैं तो आगे सीढ़ियाँ होती हैं सीढ़ियों से वो नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि तीन साल पुरानी एक कब्र है जिसके अंदर एक मम्मी है और दो और मम्मियाँ भी थीं लेकिन नहीं उठी लेकिन एक मम्मी उठ जाती है उसमें से जिसका नाम है हुर जनरल हुर जनरल हुर का ड्रेस बिल्कुल वाइट था और उसके ड्रेस पे बहुत से मेडल्स लगे थे और वो पाशाह से बात करना स्टार्ट करता है और वो पाशाह से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे डिसेंडेंट्स को मारा यानी जिस सर्वेंट को पाशा ने मारा था वो सी जनरल हुर का डिसेंडेंट था उसकी फैमिली से बिलोंग करता था और जनरल हुर की जो शक्ल थी सेम टू तो सेम उसी सर्वेंट से मिल रही थी और पाशा ये देख कर डर जाता है अब जनरल हुर की आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची थी और वो कहता है कि देखो कैसे दिन आ गया दैट द सर्वेंट्स हार्ट टेकन द प्लेस ऑफ मास्टर्स एंड बिगिन टू ब्लैंडर्स एंड क्रश द मास्टर्स यानी कि ये कैसा दिन आ गया कि नौकर जो है वो मालिक बन रहे हैं और मालिक जो है वो नौकर बन रहे हैं और नौकर मालिक बनकर जितने भी उनके ये बड़ी बड़ी स्टेट्स uh, हैं उनमें ब्लेंडर कर रहे हैं ठीक है और मास्टर्स को क्रश कर रहे हैं ये कैसा दौर आ गया अब ये सारी चीज़ें पाशा को समझ नहीं आ रही थी इतनी पायरसिंग इतनी बाइटिंग जो थी कन्वर्जेशन जो थी ना ये पाशा को समझ नहीं आ रही थी और पाशा जो है वो एट द स्पॉट मर जाते हैं उनके साथ जो दो सर्वेंट होते हैं वो पागल हो जाते हैं लेकिन इस सब में मेरी कली प्रोफेसर डेरिन और जयदुला जो, जो है वो बच जाते हैं और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है अब इस स्टोरी के अगर थीसिस की बात करूं या मॉरल की बात करूं तो वो क्या बनता है दैट द वेल्थ ऑफ द कंट्री डज नॉट बिलोंग ओनली टू द अरिस्टोक्रेटिक क्लास इट शुड बी शेयर्ड विद द नीडी एंड द पुअर क्लास डिस्क्रिमिनेशन एंड इट शुड बी रिमूव फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सोसाइटी ऑन इक्वल फुटिंग एंड इक्वालिटी यानी एक कंट्री की जो वेल्थ होती है वो सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक क्लास से ही बिलोंग नहीं करती वो उनकी नहीं होती उनका हक हाँ ही नहीं होता बल्कि इस दौलत में से शेयर करना चाहिए हिस्सा निडी लोगों के साथ भी पुअर लोगों के साथ भी और क्लास डिसक्रमिन डिस्क्रमिनेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ठीक है ऐसी चीज़ों को रिमूव कर देना सोसाइटी से चाहिए ताकि इक्वलिटी जो है एक सोसाइटी में आ सके बैलेंस आ सके और सब अपने तरीके से रह सके सकें बारियन के थीम्स की तो सबसे पहले हमारे पास थीम है इनजस्टिस एंड ब्लेंडर इन द कंट्रीज लाइक अ दूसरा है शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम द ऑनर्स तो टू द अनवर्थी पर्सन सही हो गया ये तो थे दो मेन थीम इसके बाद डेथ का थीम भी आ जाता है जो कि बहुत माइनर है लेकिन आ जाता है इसके बाद जो है आ जाता है इनजस्टिस जैसे मैंने आप लोगों को बताया और इसके बाद आ जाता है क्लोनलिज्म का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि जैसे राइटर है ये क्लोनलिज्म इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट लिखा है कि किस तरह जो पाशाह है वो तुर्की से बिलोंग करता है लेकिन यहाँ पर आके हकूमत कर तो रहा है लेकिन वो एक अच्छा रूलर नहीं है तो बस यही था आज की स्टोरी थीम्स और इसका थीसिस स्टे फॉर मोर सच वीडियो तब तक के लिए खुदाफे